चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो क्या लगता है कि 19 गांव को इस बार पंचायत का दर्जा देके उन लोगों को विकास के रास्ते से जोड़ेंगे? देखिए, हमारा कोशिश जारी है। मैंने अभी बात उठाए थे, 48 ऐसा पंचायत है जहाँ के लोगों को कुछ फायदा नहीं मिल रहा, उसको फायदा दिलाना, और 19 ऐसा जो है गांव पंचायत को जोड़ने के लिए बहुत हद तक काम हम आगे बढ़ा दिए हैं। इस बार जो है डिमार्केशन नहीं हो रहा है। हमारा झमेला कहा है कि 2011 का सेंसस के आधार पर ही चुनाव होगा। यहाँ पर थोड़ा बड़ी टेक्निकली हमको फॉल्ट मिल रहा है, बाकी आपका चुनाव का रास्ता हम साफ करने की काम किया। हर एक चीज़ एक नियम के अनुसार होता है। आज हमारे यहाँ जो चुनाव होने जा रहा है 2011 का सेंसस का आधार पर, उस सेंसस को हम लोग दिखा रहे हैं 2000 उसमें उठा था कि नहीं उठा था। अगर उठा हुआ है, जुड़ा हुआ है, लेकिन 19 गांव को बोकारो स्टील ने हटाने का एक चिट्ठी लिखी है डीसी को, क्या 19 गांव हटेगा बोकारो का? उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ये पंचायत में जोड़ने के लिए हमें आवेदन आया था, हम अपने तरफ से प्रयास किए हैं। हमने कहा कि कुछ ऐसे जो है कि संवैधानिक नियम है आज कि 2011 का सेंसस के आधार पर होगा, और अभी सेंसस हो भी नहीं रहा। लेकिन आप इसको पंचायत बनाने जा रहे हैं मंत्री जी, लेकिन बोकारो स्टील उसको हटाने की तैयारी में है, क्या कहेंगे इसको? जब देखिए समझ नहीं गया, ये तो हम आपके माध्यम में सुने, ठीक है, हम तो इसकी जानकारी लेते हैं। आखिर ये लोग जाएगा कहाँ? पुनर्वास का व्यवस्था करना पड़ेगा, किसी को जाने से तो हमारा फायदा नहीं है। और ये सरकार अभी भी हम कह रहे हैं कि अगर कोई किसी कारण, कोई बड़ा इंडस्ट्री और कुछ के कारण अगर वहाँ से हटना पड़ता है तो पहले पुनर्वास का व्यवस्था होगा, उसके मुआवजा की व्यवस्था होगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है।